देखिए, आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन के अंदर हम लोग बीजी के अंदर फिजिकल स्टॉक के बारे में सीखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं फिजिकल स्टॉक होता क्या है, तो आप लोगों की नज़र में फिजिकल स्टॉक बोलते किसको है? आपका हिसाब से फिजिकल क्या होता है? जिसे हम टच कर सकें वो फिजिकल होता है। जैसे मेरे पास ये स्टॉक पड़ा है 100 पीस, वो मेरा फिजिकल स्टॉक है, भौतिक रूप से मेरे पास वो अवेलेबल है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, मेरे कंप्यूटर में 100 पीस दिखा रहा है और रियल में स्टॉक में 80 पीस है, गोडाउन में 80 पीस है और कंप्यूटर में 100 दिखा रहा है, क्या मेरा स्टॉक कभी मैच हो सकता है? कभी टैली नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे मार्केट के अंदर जिसके लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है स्टॉक, और स्टॉक के बिना वो काम नहीं कर सकते। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए कार का, उनका स्टॉक तो काउंटिंग का होता है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, अगर हो जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी कंपनियां जो अपने स्टॉक को मेंटेन करना चाहती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ चलो ऐसी सिचुएशन है, आपकी गोडाउन में 100 पीस है और आपके कंप्यूटर में 80 दिखा रहा है, या उल्टा कह दें 100 आपके कंप्यूटर में 80 आपके गोडाउन में, तो क्या करोगे आप? अब सिचुएशन आती है, या तो मैं सेल करके स्टॉक को कम या ज़्यादा कर लूँ, परचेज करके कम या ज़्यादा कर लूँ, या सेल कर दूँ कम या ज़्यादा करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं सेल करूँगा मेरे पार्टी से पैसा लेना आ जाएगा या पार्टी को देना पैसा आ जाएगा। तो हम उस रियल लाइफ में इन दोनों टॉपिकों की मदद नहीं लेके हमारे पास एक टॉपिक होता है फिजिकल स्टॉक, ये अपने आप स्टॉक को मेंटेन कर देता है। कैसे, आइए एग्जांपल के लिए समझते हैं। देखिए, मेरे पास एक वाउचर नंबर डालना है स्टार्टिंग, कब इसकी एंट्री को पास करना है, मैंने लिखा 34 को, मेन स्टॉक कहाँ से कम ज़्यादा करना है मेन स्टॉक, और इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा स्टॉक जनरल वाउचर सीरीज से। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इस ड्रॉप डाउन बटन पर नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको जितनी आपके आइटम होंगी उतनी शो हो जाएंगी। आपको क्या करना है, इस पर इंटर मारना है। जैसे इंटर मारोगे तो आपको बता देगा बुक में कितनी स्टॉक है आपके पास, शो, मतलब कंप्यूटर में कितना शो कर रहा है, शो। आपको रखना कितना है, मैंने कहा मेरे पास टोटल 120 स्टॉक है, कितना है तो आपके हिसाब से कितना मैं कर दूँ यहाँ पर, कितना कर दूँ, 20, तो मैंने यहाँ कर दिया 120, कितना कर दिया, जैसे ही इंटर मारूंगा वो 20 पीस क्या कर देगा स्टॉक में, प्लस। इसका डिफरेंस कितना आ रहा था दोनों का, 20, तो उसने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्लियर। और जैसे ही मैं सेव करूंगा, सेव करते के साथ ऑल टाइम उस आइटम का नाम टाइप करूंगा, तो आप देख लेंगे अब मेरे स्टॉक में कितनी हो गई, 120 पीस। ओपनिंग कितना था इसका, 100 पीस का था, 20 पीस क्या हो गई, इन हो गई। और जैसे ही आप इंटर मारोगे आपके पास कितना आ जाएगा, 20। और आप देखेंगे कि स्टॉक का जो रियल इफेक्ट पड़ा है वो मॉडिफाइड स्टॉक जनरल वाउचर मेन दिस वाउचर जनरेटेड थ्रू फिजिकल स्टॉक वाउचर नंबर दिस डेट दिस, और ये आइटम किस जगह आ गई, कंज्यूम में, जनरेट में, क्यों, क्योंकि बढ़ाना है, और आइटम को कम करना हो तो कहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है, आइटम कंज्यूम में रिफ्लेक्ट करती है, क्लियर। तो आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई एंट्री पास करोगे तो उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, इन दो टॉपिकों का ध्यान रखना है। जब आप ये एंट्री करेंगे तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना है। कोई प्रॉब्लम्स के अंदर, ये एक सिंपल सा टॉपिक था। अब यहाँ और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें पहला टॉपिक आता है क्रिएट स्टॉक जनरल वाउचर। अगर आप इस पर क्रिएट पर नहीं करेंगे तो आपको कभी भी कोई नए वाउचर की एंट्री नहीं होगी, तो उस पर ज़रूर क्लिक करना। इसके बाद अपडेट दिस वाउचर इन्फॉर्मेशन इन स्टॉक जर्नल नरेशन, तो आप अगर इस पर टिक नहीं करेंगे तो नरेशन आगे पोस्ट नहीं होगा। इसके बाद एक नीचे टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है इनपुट सब डिटेल। आप कहते हैं मुझे अपने माल को पैरामीटर के हिसाब से कंज्यूम करना है, किसके हिसाब से कंज्यूम करना है, पैरामीटर के हिसाब से। आप कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन वाउचर जनरेट, मैंने यहाँ एक पैरामीटर डाली आपको समझाने के लिए, उसका नाम रख दिया साइज, उसको सेव कर दी, बस और कुछ नहीं करा। साइज करने के बाद कहाँ गए, मास्टर आइटम के अंदर आए, और यहाँ पर जो मैंने 100 पीस का स्टॉक डाला है ना, इसको मैं F2 करता हूँ, इसको यस करता हूँ, चलो एक नई आइटम बनाते हैं, आइटम नैरो 735 नंबर, ग्रुप शर्ट नैरो, यूनिट पीस और कितनी, 100 पीस। जैसे ही सेव करूँगा मुझसे पूछा साइज, मैंने बोला 22 साइज की 10 पीस, 24 साइज की 10 पीस, 26 साइज की 20 पीस, 28 साइज की 40 पीस और 30 साइज की 20 पीस, टोटल मिला के कितनी हो गई, 100।
अब पता चला स्टॉक में रियल में 30 साइज का तो स्टॉक ही नहीं है मेरे पास, मुझे क्या करना है उसे स्टॉक से हटाना। तो हम कहाँ जाएंगे, फिजिकल स्टॉक पर आएंगे, अपनी तारीख को पास करेंगे, जब वो एंट्री पास कर रहे हैं वो तारीख यहाँ डालेंगे, मेन स्टोर सेलेक्ट करेंगे और इनपुट सब डिटेल पर क्लिक करें। कह रहा क्या पैरामीटर, मैंने कहा यस। और जैसे ही मैं आगे पास करूँगा और वो 35 नंबर की एंट्री, कितनी पीस करनी है स्टॉक में, सब मुझे 90 रखनी है। तो कौन कौन सी आइटम अब हटानी है आपको, तो जो जो स्टॉक रखना है उसकी डिटेल यहाँ डालिए और जो हटानी होगी उसको यहाँ से हटा दीजिए। अब स्टॉक में आपके कितनी रह जाएंगी, 90 पीस, और 30 साइज से अब कितनी रह जाएंगी, 10 पीस। और इसको क्या कर देंगे, जैसे सेव करेंगे हो गया ऑल टाई 735। ओके, अब स्टॉक में कितनी पीस दिखा रहा है, 90। और जैसे ही इंटर मारोगे 10 पीस कहाँ शो हो जाएंगी, आइटम कंज्यूम में। और जैसे ही इंटर मारोगे और कौन सी आइटम कंज्यूम हुई, 10 पीस कंज्यूम। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। ये फिजिकल स्टॉक का एक छोटा सा टॉपिक। अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है, लेकिन वो तभी समझ सकते हैं जब आपके आगे टॉपिक होंगे। यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलता है जब आप इनपुट पर क्लिक करते हो। अभी आपने पैरामीटर को यस करा तो पैरामीटर शो हो रहा है। अगर आप बैच नंबर अनेबल कर देंगे तो बैच नंबर भी शो हो जाएगा। अगर आप सीरियल नंबर अनेबल कर देंगे तो सीरियल नंबर भी शो हो जाएगा। उसका इनपुट, अगर आप स्कैनिंग का काम करते हैं, क्या करते हैं, आपके पीओएस बिलिंग के काम होता है, किसका काम होता है, पीओएस बिलिंग का, तो आप पीओएस बिलिंग करके स्टॉक को कंज्यूम कर सकते हैं। हमारे केस में नहीं होता तो हम नहीं कर सकते। तो ये एक टॉपिक है जिसके जरिए आप आइटम को क्या कर सकते हैं, कंज्यूम और जनरेट कर सकते हैं। और रियल लाइफ में जब आपको कभी ऐसा लगे कि मेरा स्टॉक नहीं मेंटेन हो पा रहा और मुझे अब स्टार्टिंग से काम करना है, तो आप सभी आइटमों की यहाँ से एंट्री पास कर दीजिए, बीजी अपने आप आपका स्टॉक को मेंटेन कर देगा। क्लियर, ये आपका फिजिकल स्टॉक था।